तो दोस्तों, ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करने के बाद फाइनली अन्नू कपूर, राहुल बग्गा, मनोज जोशी और अश्विन कलसेकर स्टार मच अवेटेड फिल्म हमारे 12 आज सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। इस फिल्म में दोस्तों हमें पार्थ संतान और सुशांत सक्सेना भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों सभी की परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है कमल चंद्रा ने, जबकि फिल्म की कहानी लिखी है रजन अग्रवाल ने। इस फिल्म का दोस्तों जब ट्रेलर टीजर रिलीज किया गया था, तब से ही ये फिल्म विवादों में घिरी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों कई सारी जगहों पर देखने को मिला था कि लोग इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे थे, साथ ही साथ डिमांड की जा रही थी कि इस फिल्म को बैन किया जाए और ये फिल्म रिलीज ना हो पाए। लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी झेलने के बाद फाइनली हमारे 12 फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पे दस्तक दे चुकी है। हालांकि दोस्तों फिल्म को काफी लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिसके चलते दोस्तों फिल्म के जो शो काउंट है वो काफी कम देखने को मिल रहे हैं और फिल्म का दोस्तों प्रमोशन भी ना के बराबर किया गया था। लेकिन ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट फिल्म हमारे 12 को लेकर देखने को मिल रही है, जिसके चलते फिल्म हमारे 12 आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए से शुरुआत हासिल कर चुकी है, जबकि फिल्म का जो पहले दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 1.8 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आखिर इस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है या फिर ये फिल्म पब्लिक को पसंद आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी फिलहाल आप हमारे 12 फिल्म देखने जाएंगे या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।